सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे विष्णु निशान के बारे में। जिसके हाथ में भी होता है उसके ऊपर रहती है भगवान की अपार कृपा। क्या पता आपके हाथ में भी हो, और अगर है, हो सकता है आपसे हो रही हो तीन ऐसी गलतियां जिसकी वजह से ये निशान आपके हाथ में होते हुए भी आपको फ़ायदा आज तक नहीं दे पाया। तो वो तीन गलतियां कौन सी हैं और उनको सुधारने का तरीका क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा आखिर तक। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे DMs आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और इसी के साथ एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कोई कंसल्टेशन के लिए, तो कृपया नंबर के चक्करों में ना पड़े क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो इनसे बचना है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले एक ऐसी गलती के बारे में जो आप नॉर्मली कर ही देते हैं, वो है इस निशान की आकृति को पहचानने में। देखिए दोस्तों, आपको देखनी है यहाँ पर अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, ये जा रही है आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ पर। अब नॉर्मली ये रेखा जो है अगर जाए आपके गुरु पर्वत तक तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है, पर इस प्रकार भी चल जाएगा जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें से एक और रेखा डिवाइड होती है और नीचे की ओर चली जाती है। बट अगर ये रेखा ऊपर की ओर है, कहने का भाव ये है कि दो मुखी रेखा है पर एक का मुख ऊपर की ओर है, या फिर ये कह लीजिए कि शनि पर्वत की ओर है, तो ये निशान माननीय नहीं होगा। हमें देखना है इस प्रकार, जिसका झुकाव हो नीचे की ओर, या फिर ये कह सकते हैं कि मंगल पर्वत की ओर। पर इस रेखा का झुकाव मंगल पर्वत की ओर तो होना चाहिए, पर ये रेखा मंगल पर्वत पे नहीं जानी चाहिए दोस्तों। अगर ये चली जाती है तो ये आपके जीवन में मंगल के रिलेटेड दोष को दिखाती है। और अगर इसके बारे में आप ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको बता रहे थे, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से निशान बना हुआ है तो यहाँ पर बन जाता है इंग्लिश के लेटर Y का एक प्रतिबिंब। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से निशान है तो आपके ऊपर रहती है भगवान की अपार कृपा। कैसे? देखिए दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, बट जब बारी आती है मौका संभालने की और आगे कुछ कर दिखाने की, तो मौका कुछ लोग चूक जाते हैं, जिस वजह से उनको नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। किस्मत हर किसी की नहीं चमकती दोस्तों, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी किसी को ही मौका मिलता है आगे बढ़ने का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी गलती की, एक ऐसी गलती जो कुछ लोग कर देते हैं जिस वजह से उनको फ्यूचर में अपने करियर में असफलता का सामना करना पड़ता है। तो वो गलती कौन सी है? किसी भी काम को पूर्ण रूप से सीखने से पहले ही शुरू कर देना, मतलब कि तजुर्बा पूर्ण रूप से नहीं मिला है और यहाँ पर देखा देखी में, या फिर ये कह लीजिए कि आपको लगता है कि फिर ये मौका नहीं मिलेगा, तो पहले ही शुरू कर देना चाहिए, जिस वजह से आप अपने काम को आधा अधूरा सीख के ही शुरू कर देते हैं। और यही है वो गलती जो आपकी असफलता का कारण बनती है। अब आप कर क्या सकते हैं? आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि ये फिर मौका नहीं मिलेगा तो काम शुरू कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने काम को पूर्ण रूप से सीखा ही नहीं है, उसके बारे में तजुर्बा नहीं लिया है, तो ये आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपका जिस भी काम में इंटरेस्ट है उसके बारे में सीखना अगर आपने शुरू कर दिया है और आपको लग रहा है कि ये मौका फिर कभी मिले ना मिले तो काम शुरू कर दूं, हमने इतना तो सीख ही लिया, तो आपको इस गलतफहमी को निकाल देना है। आपको पहले पूर्ण रूप से कार्य सीख लेना है। जब आपको लगे कि हाँ, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं आगे कदम बढ़ाने के लिए और ये अगर आप काम शुरू करेंगे तो लॉन्ग टर्म चल सकता है, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा। मौका देखिए दोस्तों, फिर भी आएगा, और अगर आपके पास पूर्ण रूप से तजुर्बा है तो ये मौका आपके लिए एक बड़ी सफलता बन सकती है। इसके बाद आती है दोस्तों तीसरी ऐसी गलती जहां पर आपको लेना होता है रिस्क, क्योंकि बिना रिस्क के आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। बट डिपेंड करता है आपने ये रिस्क कब लिया। हो सकता है आप गलती से किसी और समय पर रिस्क ले गए हों, जबकि आपको लेना था किसी सही समय पर। तो वो सही समय कौन सा है?
देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि ये समय आपका 35 साल की उम्र तक भी जा सकता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे, 30 साल की उम्र तक अपने जॉब में कदम जमाइए। जब आपको लगे कि आपका अच्छा खासा नेटवर्क बन चुका है तो 30 साल की उम्र के बाद, मतलब 30 से 35 साल की उम्र के जो ये 5 साल हैं, यहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए प्रमोशन के लिए या फिर आगे जो भी आपकी पोजीशन बढ़ सकती है तो उसके लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस की फील्ड में हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है और आपका अच्छा खासा वहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप इसे आगे बढ़ाते हैं तो लॉन्ग टर्म अवश्य चलेगा, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, 25 साल और 30 साल की उम्र के बीच में आपके पास मौके ही मौके होते हैं अगर इस प्रकार से आपके हाथ में निशान होता है। जी हाँ, ये हम उनके लिए बता रहे हैं जिनके हाथ में ये निशान होता है। जॉब वालों के बारे में भी बताया और अभी आपको बिजनेस वालों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि एक बड़ी डील आपके हाथ में है और आपको रिस्क ले लेना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, इस बात को श्योर कर लीजिएगा कि आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और वहाँ पर आप इस कदम को आगे बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं और आपके हक में है सब, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और ये निशान आपके जीवन में बनाएगा चमत्कारी योग। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ विष्णु निशान के बारे में। अब इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि जो इस हाथ में एक और खास निशान है वो बनाता है सरकारी जॉब का या फिर किसी बड़ी कंपनी में अपनी मनचाही जॉब का योग। जो इनकी अनामिका उंगली है, जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं, इसके नीचे बन रहा है क्रॉस का साइन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से जिसके हाथ में भी निशान होता है और अगर उन्होंने सरकारी जॉब के लिए ट्राई किया है या किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन के लिए ट्राई किया है, हो सकता है पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में आपको अवश्य मौका मिलेगा बड़ी कामयाबी का। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इस वीडियो में बताया कि आपकी हार्ट लाइन से जब भी बनता है विष्णु का निशान, तो ये आपके लिए एक चमत्कारी निशान साबित होता है। बट अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि हार्ट लाइन से हम कुछ और भी जान सकते हैं। जी हाँ, वो है आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये योग कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी ये विष्णु का निशान है और जो आपको इस वीडियो में 3 गलतियां बताई, अगर आप अनजाने में कर रहे हैं तो कृपया इनको सुधारिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इस वीडियो के रिलेटेड अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।